देखिए, गिवन सर्किट में अपने को क्या करना है, ये आई करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को। आई मतलब यहाँ का करंट फाइंड आउट करना है, कितना करंट आ रहा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है 15 ओम इनकमिंग करंट है, मतलब अंदर आ रहा है, और ये दोनों करंट क्या है, आउटगोइंग हो गया। ठीक है, जैसे कि ये आउटगोइंग हो गया और ये आउटगोइंग हो गया। तो मैंने आपको ही बोला था, मान लीजिए कि सपोज डेट यहाँ पे अगर ये आपका आई वन है और ये आई टू ले लीजिए और इधर आई थ्री ले लीजिए, तो अगर यहाँ पे केसीएल लगाएंगे तो आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टू प्लस आई थ्री के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आई वन कितना है, 15 है, और यहाँ पे कितना हो गया, 8 आ गया, और ये आई थ्री यहाँ से 3 निकल जाएगा, तो आई थ्री इक्वल टू कितना हो गया, 7 आ जाएगा, 7 एम्पेयर आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ वाला जो है 7 एम्पेयर आपका निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, ये भी करंट इधर से आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है, मतलब इनकमिंग करंट है, तो दोनों का सम ये वाला करंट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया अपना, 10 एम्पेयर आ गया। फिर अगेन यहाँ पे देखिए, इधर 8 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है, ये भी आउटगोइंग हो गया, और ये भी क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया। ठीक है, द इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी देखिए, ये आई टू है, तो इधर एक 5 चला गया और इधर क्या चीज कितना जाएगा, देखिए 8 आया, इधर 5 गया गया, मतलब यहाँ पे 3 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, मतलब ये आई जो है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आई का वैल्यू कितना आ गया, 3 प्लस 10 यानी 13 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी आई का वैल्यू ये बी ऑप्शन राइट। ठीक है।